नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर जो धांधली हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके कारण बहुत सा कैंडिडेट आक्रोशित है और सोशल मीडिया पर हैशटैग अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन एक रेलवे इस पर बयान जारी किया गया है, जो कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, हम लोग के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अभी भी रेलवे या जो हम लोग हैशटैग चला रहे हैं अभियान, इसके माध्यम से जो वहां पर जानकारी गई है, यह भी मानना उसका गलत है कि यह गलत छात्र कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में पूरा पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यही रेलवे के एक तरह से हम लोग के भाषा में जाने तो एक आदमी के 100 रुपया मिल रहा है और एक आदमी के 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। ऐसा गलत है, क्योंकि अगर देना है तो एक आदमी एक ही जॉब कर सकते हैं, तो उनको एक ही जगह रखना चाहिए, नहीं कि 10 जगह रिजल्ट आपको एक ही आदमी के नाम से होना चाहिए। यह रेलवे हम लोग के साथ बड़ा धोखा कर रहा है। तो वीडियो पे पूरी जानकारी आप बने रहे, आपको देने वाला हूँ क्या रेलवे इसे जो हम लोग हैशटैग अभियान चला रहे हैं, इसमें क्या रेलवे के कहना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको एक एक बारीकी से देने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक बहुत कम समय में। दोस्तों, आज ही का यह पेपर है, जो कि हिंदुस्तान 18 जनवरी 2022, देश भर के रेलवे अभ्यर्थियों ने हैशटैग अभियान चलाया, जो कल से स्टार्ट हो गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा है रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट में सुधार के लिए अभियान। आरबीआई ने कहा वैकेंसी के समय चयन प्रतिक्रिया की दी गई थी जानकारी। इनको कहना है कि उसी समय आपको यह सभी जानकारी, यह सरासरी झूठ है। दोस्तों, हम लोगों को यह तो नहीं बताया गया कि एक आदमी का 10 जगह रिजल्ट दे दिया जाएगा, ऐसा तो हम लोगों को फॉर्म अप्लाई करते समय नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ऊपर में ही लिखा हुआ है वैकेंसी के समय चयन प्रक्रिया के दी गई थी सूचना, यह रेलवे के कहना है। इस मामले पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी पक्ष रखा। रेलवे के प्रेस विज्ञापन जारी कर बताया कि इस वैकेंसी के पूर्व ही छात्रों को RBI केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या, यानी विज्ञापन संख्या 012019 गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी के लिए के तहत चल रही परीक्षा भर्ती के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। अब अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होने पर आपत्ति जाहिर गलत कर रहे हैं, यानी गलत हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, यह रेलवे के कहना है। तो दोस्तों, मानने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर जैसे ही आपको कोरोना ख़त्म होता है तो हम लोग और भी जोर से आपको आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा भर्ती में घोटाला हो रहा है। कम से कम 7-7.5 लाख के करीब में हम लोग का रिजल्ट आना चाहिए, और यह बोलता है कि 20%, और यहाँ पर हम लोग का कट ऑफ इतना जाता है कि एक आदमी का 10 जगह रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर RBI CBT 1 रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट को लेकर देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। रिजल्ट आते ही देश भर में रेलवे परीक्षार्थी काफ़ी आक्रोशित है। रिजल्ट में सुधार संशोधन की मांग कर रहे छात्रों को कहना है कि 20 गुना रिजल्ट, यानी लगभग 7 लाख अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाना चाहिए था, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने मनमानी करके एक ही अभ्यर्थी का 4 जगह रिजल्ट दे दिया। दोस्तों, यह बहुत बड़ा हम लोगों के साथ धोखा है। एक आदमी के 4 जगह रिजल्ट देने की क्या ज़रूरत थी? अगर इतना बड़ा है तो थोड़ा सा कम बेसी आपको मेरिट पर इनका रिजल्ट बनाना चाहिए, जो कि उसमें एक तो कैंडिडेट एक ही जॉब कर सकते हैं, इसमें रिजल्ट देने के और इतना बड़ा फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत थी? 20 गुना रिजल्ट देने की बात कह रही थी, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से सिर्फ 2.5 से 3 गुना रिजल्ट दिया गया है। 20 गुना कहने के बाद 2.5 से 3 गुना, आप सोच लिए दोस्तों हम लोगों के ज़िंदगी से क्या खिलवाड़ हो रहा है। मैं हम लोगों के इतना समय भी व्यर्थ गया, एज भी ख़त्म हो गया, और रिजल्ट भी बहुत कम दिया गया। तो दोस्तों, यही थी खबर जो कि आप सभी को अवगत करानी थी। इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो और जानकारी देखने के लिए चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।